हेलो गाइस, वेलकम टू दिस बड़ी न्यूज़। तो गाइस आज हम बात करेंगे मार्वल डीसी से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में, बात करेंगे डिज्नी प्लस की अपकमिंग टीवी सीरीज से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे हॉलीवुड की कुछ अपकमिंग मूवी के अपडेट के बारे में, उनके पोस्टर उनके ट्रेलर से रिलेटेड अपडेट के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट काफी ज्यादा कमाल के है। तो सबसे पहले बात करते हैं, जॉन फिनिक्स ने ऑफिशियली अपने इंस्टाग्राम पर कुछ इमेजेस अपलोड करी है जिसमें कि ये पता चलता है कि एक्चुअल में जब कोई एक्टर किसी कैरेक्टर का रोल प्ले करता है तो वो कितनी ज्यादा मेहनत करता है, और ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है बिहाइंड द सीन इमेजेस में। इन्होंने अपना वेट कितना ज्यादा लूज करा, साथ ही साथ कितनी ज्यादा मेहनत करी, ये सब इस चीज में देखने को मिल रहा है। और ऑस्कर की भी बातें चल रही हैं, तो पॉसिबिलिटी देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। उसी के साथ इनविजिबल मैन के कुछ ऑफिशियली बिहाइंड द सीन इमेजेस देखने को मिले हैं जो कि एंटरटेनमेंट वीकली के हैं, और ये ऑफिशियली फर्स्ट लुक भी है, काफी ज्यादा कमाल के लग रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि इस सीरीज का ये थर्ड पार्ट है और इसका ऑफिशियली ट्रेलर भी लॉन्च हो चुका है, भले डिफरेंट है, काफी ज्यादा डिफरेंट है दो पार्ट से, तो देखते हैं कि स्टोरी क्या होगी, पर ट्रेलर तो काफी ज्यादा कमाल का हॉरर टाइप का है, देखना जरूर। उसी के साथ ब्लैक पैंथर 2 से रिलेटेड काफी कमाल का अपडेट है। आपने ब्लैक पैंथर में बकावी को देखा होगा जो कि एक विलेन बन चुका था एंडिंग में, पर वो दोबारा से रिटर्न हो रहा है ब्लैक पैंथर 2 में, काफी कमाल का कैरेक्टर है। ब्लैक एडम जो अपकमिंग मूवी आ रही है डेन जॉनसन की, उसमें हमें हॉकमैन देखने को मिल सकता है, काफी ज्यादा चांसेस है, कुछ ऐसी हिंट मिली है कि वो शायद इस मूवी में होगा। उसी के साथ एवेंजर्स एंड गेम ऑफिशियली डिज्नी प्लस पर लॉन्च होने वाली है 12 नवंबर को, काफी लोगों का इंतजार रहेगा क्योंकि आज 11 तारीख हो चुकी है और कल ये ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगी। उसी के साथ ब्रिल एंसर और ब्रिल गर्ल्स फाइनली एक शो में एक साथ देखने को मिलेंगे, और आप सभी जानते हो कि टूनेट को ये आ चुका है, तो आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप थोड़ा डिस्कवरी पे भी देख सकते हो, और साथ ही साथ नेचुरल ज्योग्राफी देखने को मिल ही जाएगा। वांडा विजन जो कि 2021 में रिलीज होने वाली है, और साथ ही साथ उसके साथ जो नेक्स्ट है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स मैडनेस और उसके बाद लोकी, ये तीनों ही आपस में कनेक्टेड होंगी एक डायमेंशन के थ्रू। अब ये कैसे कनेक्ट होंगी ये तो हमें तीनों ही चीज़ देखनी पड़ेंगी। और केविन फाइगी ने ये तक बोला है कि आपको मूवी देखने से पहले ये टीवी सीरीज देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारी आपस में कनेक्टेड होंगी। उसी के साथ केविन फाइगी स्टार वॉर्स के साथ तो जुड़ चुके हैं, सभी को पता होगी, और केविन फाइगी ने ये भी कंफर्म कर दिया कि स्टार वॉर्स आने वाले फ्यूचर में बहुत बड़ा और होने वाला है, यानी कि और काफी सारी टीवी सीरीज भी आएंगी। स्टैनली कंफर्म हो चुके हैं एवेंजर्स गेम में, जी हाँ आप सभी को पता होगा एक एवेंजर्स गेम आने वाला है और उसमें स्टैनली कंफर्म हो चुके हैं। साथ ही साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी का 7 चैप्टर भी कंफर्म हो चुका है, जी हाँ ये मूवी रिलीज होने वाली है। काफी बोरिंग लगी मुझे मूवी, हॉरर टाइप की है, पर इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो देखिए, पर इसका 7वां पार्ट भी कंफर्म हो चुका है। स्पाइडर वर्स 2 में फाइनली चाइनीज स्पाइडरमैन कंफर्म हो चुका है, जी हाँ ये कार्टून में होगा पर काफी कमाल का होने वाला है। देन सभी ने अगर स्पाइडर चाइनीज देखा होगा तो सबको पता ही चल चुका होगा। स्क्रैम 5 भी कंफर्म हो चुकी है, काफी कमाल की हॉलीवुड हॉरर मूवी है और 90s की भी मूवी है, तो देखना जरूर, काफी ज्यादा अच्छी मूवी है। अब 5वां पार्ट कंफर्म हो गया तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। इनविजिबल मैन का ऑफिशियली पोस्टर लॉन्च हुआ है जिसमें कि गर्ल है काफी ज्यादा डरी हुई है और चारों तरफ ब्लैक ही ब्लैक है, तो ऑफिशियल ट्रेलर भी लॉन्च हो जाएगा, जाके देखो। फैंटास्टिक बीस्ट 3, 4, 5 इनकी तीनों की शूटिंग कंटिन्यूस रहेगी, जी हाँ जेके रोलिंग ने कंफर्म कर दिया है कि वो तीनों शूटिंग एक साथ करना चाहती है। जोई ने एक इमेज डाली इंस्टाग्राम पर जो कि कैटलुक का थोड़ा लग रहा है और काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि बैटमैन में अपनी अपकमिंग मूवी में विलेन होने वाली है। साथ ही साथ जोकर ने 300 मिलियन कंप्लीट कर ली है डोमेस्टिक पर और 1 मिलियन के काफी ज्यादा करीब है ये वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर, मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ जोकर के लिए। उसी के साथ जब स्कॉट लैंग एक बैन में थे तो वहां पर लिखा था अर्थ 616, जी हाँ तो 100% ये एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और जो मल्टीवर्स चल रहा है वो अर्थ 616 चल रहा है। डिज्नी ने ऑफिशियली एक लिस्ट लॉन्च करी है ऑस्कर के लिए जिसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर का भी नाम है, जी हाँ, और स्कारलेट जॉनसन का फीमेल में। उसी के साथ अब पुरानी कास्ट रिटर्न हो रही है जोरासिक वर्ल्ड 3 में, जी हाँ आप इन दोनों को अच्छी तरीके से जानते होंगे, ये दोबारा से रिटर्न हो रहे हैं फुल ऑन मस्ती के साथ। और इसी के साथ सेवेंटी स्टैन ने एक इमेज अपलोड करी है बिहाइंड द सीन फैल्कन द विंटर सोल्जर की जो कि एक लॉकेट की है जिसपे की कोड लिख रहा है फैल्कन द विंटर सोल्जर। साथ ही साथ स्काईलाइन का ऑफिशियली पोस्टर लॉन्च हो चुका है, काफी कमाल का लग रहा है। सेकंड पार्ट ज्यादा मजा नहीं आया था देखने में, पहला पार्ट काफी ज्यादा अच्छा है, जाके देखना जरूर, हिंदी में भी है। उसी के साथ वर्ड्स ऑफ पेरी के ऑफिशियली साउंड ट्रैक पे काम चल रहा है, मूवी की शूटिंग तो हो चुकी है, एवरीथिंग सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं, बस साउंड ट्रैक पे काम चल रहा है। जेजी बीट्स जो कि जोकर मूवी में काम कर चुकी है, डेडपुल में काम कर चुकी है, मार्वल में कुछ ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि वो स्ट्रॉन्ग का कैरेक्टर रोल प्ले कर सकती हैं इन फ्यूचर। साथ ही साथ स्कारलेट जॉनसन ने एक नया फोटो शूट करवाया है एक नए चाइनीज ब्रांड के लिए, वो एम्बेसडर बन चुकी है इस ब्रांड की और उन्होंने जो कपड़े डिजाइन करे हैं वहाँ पर ब्लैक विडो के कुछ साइंस लोगो हैं, तो और भी काफ़ी सारी इमेजेस हैं, आप मेरे इंस्टाग्राम ट्विटर अकाउंट पर जाके देख सकते हो। अब बात करते हैं टीवी सीरीज के अपडेट के बारे में। मून नाइट एक अपकमिंग टीवी सीरीज है, शी हल्क ये दोनों ही
कनेक्टेड होंगी। और केविन फाइगे ने एक चीज और बोला कि जितनी ज्यादा मार्वल के लिए फैंस के लिए मूवी देखना इंपॉर्टेंट है थिएटर में फर्स्ट टाइम फर्स्ट शो, उतनी ज्यादा टीवी सीरीज भी है, तो ये सारी आपस में कनेक्टेड होंगी और इनकी कैमियो फ्यूचर मूवीज में भी होंगे, तो इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि इन सबको भी देखना जरूर। और साथ ही साथ हमारे फ्लैश की एक बिहाइंड द सीन इमेजेस, आप सभी जानते हो कि जैंडर कट रिलीज होने वाले हैं HBO मैक्स पर, ये अपकमिंग नई टीवी सीरीज है, वो सॉरी स्ट्रीमिंग सर्विस है, जो कि यहाँ पर हमें सारे जैंडर कट देखने को मिलेंगे। तो कुछ सारी इमेजेस अपलोड हो रही हैं जो कि काफ़ी कमाल की लग रही हैं। हेलो 5 एक गेम था, इसके ऑफिशियली एक टीवी सीरीज बनने वाली है और उसकी ऑफिशियली कास्ट भी रिवील्ड कर दी गई है, जिसमें कि अपनी एक इंडियन एक्टर है, अब वो कौन सी है मुझे नाम उनका जरूर बताना इस इमेज में है। उसी के साथ डिज्नी प्लस पर अपकमिंग फाइनली आयरन हार्ट के नाम की टीवी सीरीज बन रही है, ये एक रूमर है, अभी कोई ऑफिशियल कन्फर्म नहीं हुआ, जिसमें कि आयरन मैन भी रिटर्न होंगे, जी हाँ रॉबर्ट डॉनी जूनियर। अब बात करते हैं इंटरनल सेट इमेजेस की, तो फाइनली हमें एंजेला जोली एक नए अवतार में देखने को मिली है। इसका लुक तो पहले भी लॉन्च कर दिया गया था पर ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का लग रहा है, और देन कुछ तो बड़ा होने वाला है यहाँ पे, मुझे लगता है कि शायद यहाँ पे कोई स्पेसशिप उतर रही है, और देन यहाँ पे वो मुआयना सा कर रहे हैं कि यहाँ पे कैसे क्या क्या हुआ। अब स्पेस गॉड है तो कुछ तो कर रहे होंगे, और 2800 साल पुरानी स्टोरी है यानी कि 800 BC, तो काफ़ी कमाल का दिखने वाला ये सीन। थंडरबोल्ट्स के ऊपर भी एक रूमर आया है कि उसके ऊपर एक टीवी सीरीज बन रही है इन फ्यूचर, वो भी डिज्नी प्लस पे लॉन्च होगी। अब बात करते हैं हॉकाई से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। हॉकाई एक एक्चुअल में ऐसी डीलिंग करी गई है, इसे एक मूवी की तरह डील करा गया है। जी हाँ, हॉकाई पे पहले एक मूवी बनने वाली थी पर इसे टीवी सीरीज में कन्वर्ट कर दिया गया, पर जो उस पर प्रोफेशनली काम होगा वो एक मूवी की तरह होगा। किंग्समैन की फाइनली इंग्लैंड में शूटिंग चल रही है, यानी कि इसका तीसरे चैप्टर का, जो कि काफ़ी कमाल की मूवी होने वाली है, और देन मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस टीवी सीरीज के लिए। और एक और साइबॉक की इमेज आई जैंडर कट के साथ, जो कि HBO मैक्स पे, इसके भी फाइनली हमें सारे सीन देखने को मिलेंगे। पर अभी स्ट्रीमिंग सर्विस कब लॉन्च होगा और कैसे कैसे उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा अभी ऐसा कुछ भी कन्फर्म नहीं है। तो गाइस आज के लिए वैसे इतना ही, तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको जो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो या तो उस पे थैन उसके हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।